नमस्कार दोस्तों, जय सियाराम। मैं हूँ शशिकला देवी, दुमका जिला झारखंड से। और अभी तो चर्चा में पूरा हो रहा है राम का, जो ये क्या कह रहे हैं राम मंदिर का उत्सव महोत्सव होने जा रहा है 22 जनवरी को। तो बहुत से हिंदू मुस्लिम भाई बहन जो है विवाद में जुटे हुए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ भाई, मुस्लिम भाई और हिंदू भाइयों से, कि राम राम कह रहे हैं, राम तो कोई भगवान, वो तो अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, सिर्फ उन्होंने यही कहा कि मैं सिर्फ अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। और मैं राम तो और तो भगवान तो हम लोग कह रहे हैं, भगवान का नाम हम लोगों ने दिया, वो तो सिर्फ राम थे। हम लोग उसको उन्हें भगवान का रूप, क्योंकि हम लोग जानते थे कि भगवान ये क्या कहते हैं विष्णु का अवतार है, इसीलिए हम लोग उन्हें भगवान मानते हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं राम हूँ। तो उन्होंने मनुष्य को, पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, या चाहे छोटी जाति को हो मनुष्य या फिर बड़ी जाति को हो, उन्होंने सबको मित्रता करना सिखाया। उन्होंने किसी को अहिंसा करना नहीं सिखाया, और सबसे प्रेम से मिलजुल करके रहने के लिए कहा था। लेकिन अभी देखिए, अभी हर कोई विवाद में जुटे हुए। और सीता माता ने भी यही कहा था कि हम लोग सब धरती माता का पुत्र हैं। जब हम लोग धरती माता का पुत्र हैं तो फिर इसमें ये जाति धर्म का तो नाम ही नहीं है। सबको यहाँ मिलजुल के रहना चाहिए और मिलजुल के चलना चाहिए। जिस तरह हम लोग कहते हैं राम श्री राम, कोई कहते हैं राम लला, तो मुस्लिम भाई हैं मुस्लिम बहन हैं वो राम आला भी बुला सकते हैं। वो ये तो नहीं कहेंगे आप मुझे क्यों बुलाया, वो सब जाति के धर्म से हैं और सभी के प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातनी ही पूजा कर सकते हैं, मुस्लिम नहीं, वो हर एक जाति कर सकते हैं। उन्होंने जब अवतार लिया तो उन्होंने खुद भेदभाव नहीं किया, तो हम लोग फिर क्यों करें। इसलिए मैं कहना चाहूँगी सभी मुसलमान और सभी हिंदू जो हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। इतना ही कहना चाहूँगी, और मैं क्या कहूँ, जय सियाराम। अगर मेरा ये बात सही है तो हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से अफवाह फैलाने से माहौल बिगड़ सकता है। जैसा भी होता है, अब मिलजुल के रहिए।